अगर हम लोकल ट्रेन से संजय गांधी नेशनल पार्क आना चाहते हैं तो हमें बोरीवली स्टेशन पर उतरना होगा और यहाँ से हमें ऑटो रिक्शा मिल जाता है जो कि हमें 5 मिनट में संजय गांधी नेशनल पार्क के गेट तक ड्रॉप कर देता है। 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं और शेयरिंग में सिर्फ 20 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, आप जैसा देख रहे हैं, हम इस समय हैं मुंबई के बोरीवली स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क के एकदम ठीक सामने। आज हम इस पार्क में आपको लेकर चलेंगे और इसमें कौन सी जगह विजिट करने वाली है, इस पार्क की क्या स्पेशलिटी है, पार्क में क्या क्या जगह देखने वाली है, इसके बारे में आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे। तो हमारे साथ आइए, एक्सप्लोर करते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। माई नेम इज़ रवि। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। किस तरह स्टार्टिंग करी जाए कि हम पूरा अच्छे से कवर करके वापस आ सकें? सेकेंड लेप में जाएगा तो पहला बोटिंग लगेगा, उसके बाद थोड़ा 5 मिनट जाएगा वापस, सेकेंड लेप मारेगा तो लाइन सफारी बस है, हर पॉइंट का अलग चार्ज है। फिर उधर से बस मिलेगी कैनरी की जाने के लिए, 7 किलोमीटर है। यहाँ पे रेंट पे आपको साइकिल भी मिलती है जिससे कि आप पूरे पार्क का राइड ले सकते हैं। ये नेशनल पार्क लेपर्ड्स का भी घर है और करीब 40 लेपर्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। जो ये नेशनल पार्क है, ये एशिया के उन नेशनल पार्क में से एक है जिसमें टूरिस्ट सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं और पसंद करते हैं। तो ये है वो स्टेशन कृष्णागिरी जहाँ से टॉय ट्रेन का राइड हमें मिलता है। तो दोस्तों, इंडिपेंडेंस से पहले इस नेशनल पार्क का नाम था कृष्णागिरी नेशनल पार्क। फिर 1974 में इसके नाम को बदल के रखा गया बोरीवली नेशनल पार्क और फाइनली 1996 में इसके एरिया को बढ़ा करके 103 स्क्वायर किलोमीटर किया गया और नाम दिया गया संजय गांधी नेशनल पार्क। तो एटमॉस्फेयर है काफ़ी प्लेजेंट है क्योंकि दिसंबर का ये फर्स्ट वीक है और यहाँ पे विंटर्स माना जाता है। अंदर वो लेपर्ड का स्टैचू है और टाइगर का और शेर का। इसी नेशनल पार्क के अंदर बना हुआ वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल जो कि बहुत ज़रूरी है। तो लाइन सफारी पर जाने का ये है टिकट विंडो। सो लाइन सफारी का टिकट है 103 रुपीज़ का।
एक का नाम बाजरा हुए जो चल रहा है, जो बैठी है उसका बिजली नाम है। तो यहाँ का जो एक मेन अट्रैक्शन है टाइगर सफारी, वो ऑलरेडी हमारा हो गया है। एक बस पे बैठ के जंगल में घूम के आने के लिए ठीक है। और जहाँ तक टाइगर्स का सवाल है, तो यहाँ पे फिलहाल दो टाइगर्स हैं, वो भी केज के अंदर। ये खूबसूरत नेशनल पार्क, वैसे तो आप साल में कभी भी आ सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने का जो बेस्ट सीज़न है वो है विंटर सीज़न। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर बोटिंग। अब हम चलते हैं कन्हेरी केव्स के लिए। कहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी, जहाँ से हमारा एंट्री था इस नेशनल पार्क में। ये कन्हेरी केव कितना, घने जंगलों को पार करते हुए और 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हम कन्हेरी केव्स के स्टार्टिंग तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से ये स्टेयर्स लेनी है, जिससे कि हम उन केव्स तक ही पहुंच सकें। जो यहाँ से लास्ट बस है संजय गांधी नेशनल पार्क के एंट्री गेट तक जाने के लिए, वो है 7:30 बजे की। इंडियन सिटीजन्स के लिए यहाँ का जो एंट्री टिकट है वो है 25 रुपीज़ का। जो ओपनिंग टाइम है मॉर्निंग में 9 AM और क्लोजिंग टाइम है 5 PM। एक गार्ड ने मुझे सजेस्ट किया है कि वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। चलिए आप भी चलिए हमारे साथ, देखते हैं कौन सा व्यू वहाँ से नज़र आने वाला है। तो ये है एंटायर व्यू इस हाईएस्ट पॉइंट से। अब जानते हैं इन केव्स के बारे में कि इनकी खासियत क्या है। कि ये केव्स संजय गांधी नेशनल पार्क के विधि नहीं आती हैं। ये केव्स करीब 2400 साल पुरानी हैं और यहाँ पे बुद्धिस्ट
कल्चर का इम्प्रेशन आपको देखने को मिलता है। और ये केव्स मिला जुला के करीब 109 हैं नंबर्स में, लेकिन सारी केव्स एक्सेसिबल नहीं है। ठीक केव्स है जहाँ पे आपको एक्सेस मिलेगा। इसे लौटने का टाइम हो गया है। कहीं कहीं पे सीढ़ियाँ काफ़ी रफ और अनइवन हैं, तो अपने स्टेप्स को बहुत संभाल के हमें रखना होगा यहाँ, खासतौर से उतरते समय। तो फ्रेंड्स, इस संजय गांधी नेशनल पार्क के सारे स्पॉट्स को कवर करके हमने अपने लास्ट स्पॉट जो कि कनेरी केव्स है उसको भी कवर कर लिया है। अब हमारे यहाँ से लौटने का टाइम हो रहा है। तो इस नेशनल पार्क के पूरे एंटायर टूर में आपको कौन सा स्पॉट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली हम कनेरी केव्स के नीचे आ चुके हैं और हमें बस पकड़नी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे मुलाकात होती है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।